भाजपा से बागमारा विधायक झूलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से धनबाद सीट खूब चर्चा में है। इस धनबाद सीट से आज भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने अनंदिता दास को प्रत्याशी बनाया है। धनबाद परिसदन में पार्टी के संस्थापक पंकज कुमार शर्मा ने पार्टी से अनंदिता दास को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली अनंदिता दास का कहना है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार कितनी दुख तकलीफ उठाते हैं उससे वे भली भांति परिचित हैं और चुनाव में आने का मकसद भी यही है कि उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ कर पाऊं। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड की सभी 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पंकज शर्मा ने बताया कि लोकसभा की कुल सीटों में 408 सीट पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। इसलिए पार्टी का निर्माण देश के 500 जिले और 21 राज्यों के समर्थन से हुआ है। निश्चित ही आने वाले चुनाव में भालोरापा के जीत का डंका बजेगा। बहरहाल जैसे जैसे धनबाद में प्रत्याशी की घोषणाएं हो रही हैं, लोगों में चुनाव में किसकी हार किसकी जीत होगी इस पर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। फिलहाल लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। मुझे टिकट दिया है इस बात का, लेकिन इतना ही बोल सकती हूँ कि जिस विश्वास के आधार पे पार्टी ने मुझे टिकट दिया है मैं उस विश्वास में खरी उतरने का बिल्कुल कोशिश करूँगी। मैं खुद भी एक मध्यम वर्ग की फैमिली से आती हूँ और मध्यम वर्ग के परिवारों में क्या क्या समस्याएं होती है ये मैं खुद भी झेल चुकी हूँ। मुझे पता है कि कैसा गुजरता है एक मिडिल क्लास फैमिली की दुनिया, तो मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर के मैं काम करना चाहती हूँ हर लोग के लिए, हर कहीं भी यहाँ पे जाति धर्म या फिर कास्ट कुछ नहीं आएगा। हर एक इंसान के लिए, धनबाद लोकसभा के हर एक व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि अगर मौका मिलता है तो मैं ये कर पाऊँगी। शिक्षा, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा उसका बनावट है, वहाँ पे ना कंप्यूटर लैब्स है ना लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए। वही बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स की ही वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाने जाते हैं अपने बच्चों को। अगर उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा एम्बियंस, वैसा वातावरण अगर पढ़ने का नहीं मिलेगा तो वो भी अच्छे भविष्य में नहीं जा पाएंगे। वो बच्चे जो है वो भी धनबाद का है। आपको मौका मिलता है तो इन सब चीज़ों पर आप पहल करेंगे? बिल्कुल पहल करेंगे, सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों पर हम पहल करेंगे। मैं बता दूँ, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण भारत के 500 जिला 21 राज्य के समर्थन से हुआ है और हर परिवार के लोगों ने अपना अपना समर्थन पत्र दिया है। पार्टी 408 लोकसभा पे चुनाव लड़ रही पूरे भारतवर्ष में और धनबाद से सभी विधानसभा से जब हमारे पास में एक निवेदन पत्र आया कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू को यहाँ से टिकट दिया जाए, क्योंकि ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, खास करके गरीब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए और 12 से 18 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए इंटरनल जो होते हैं इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। इसके लिए हमने श्रीमती अनिदिता दास जी को यहां से टिकट दिया है धनबाद लोकसभा से और पूरे यहाँ पर 14 लोकसभा में टिकट दिया है और जनता का देखें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जनता हर बार पूछ रही है कि आपकी जो प्रतिनिधि जीत के जाएंगी आप किसको समर्थन देंगे, किसको मैं नहीं कि देखो मैं ये तो नहीं कहा कि 543 सीट में खड़ा हो रहा हूँ, ये भी मैंने नहीं कहा कि 272 का आगरा में पार करूँगा, ये तो झूठ हो जाएगा क्योंकि धनबाद मेरा घर है, धनबाद मेरी आत्मा है। लेकिन इतना हमने ज़रूर कहा है जो जनता के मन में है वो हमारे मन में भी है और जनता के मन की जीत होगी, ये अंतरात्मा से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। पार्टी किसी को भी टिकट दिया हो लेकिन जनता को निर्णय लेना है, जिससे जो आपका मन में होगा उसी का बात को हम लोग मानेंगे और जनता ही सर्वोपरि है, जनार्दन ही सर्वोपरि है।